नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। वोकैब विद फन का ये सेकंड पार्ट है। चलो हम डायरेक्ट वोकैब पर आते हैं, डायरेक्ट वर्ड पर आते हैं। पहला जो वर्ड है आपकी स्क्रीन पर है पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल वातावरण या कोल्हापुरम वातावरण, ऐसा वातावरण जहाँ जो हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसको याद कैसे करें, तो जो स्टार्टिंग के जो वर्ड है पी ए एन डी ई, तो हम इसको पांडे पढ़ लेते हैं और मोनियम को हम मुनि पढ़ लेते हैं। पांडे और मुनि, हम इसको ये पढ़ लेते हैं पेंडेमोनियम को, पांडे और मुनि। तो हम कह सकते हैं कि पांडे और मुनि ओम का जाप कर कोल्हापुरम या शोरगुल वातावरण बना रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, हम ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी, जी आर यू एम पी वाई। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। तो हम इसको ग्रम्पी करके याद कर सकते हैं, ग्रम्पी। तो कह सकते हैं कि गर्म चाय पीने वाले चिड़चिड़े होते हैं, गर्म चाय पीने वाले चिड़चिड़े होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नाइव, तो एन ए आई वी ई। तो नाइव का मतलब होता है सीधे साधे। तो हम इसको कैसे याद करें, एन ए आई को चाहे हम दो मिनट के लिए भूल जाए, वी देखो नाव से हम इसको याद कर लें कि हमारे देश में जो भी नाव का काम करते हैं या नाव बनाते हैं बहुत ही सीधे साधे निष्कट बंदे होते हैं, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैस्टिगेट। तो कैस्टिगेट का मतलब होता है डांटना या फटकारना। तो हम देखो कैसे याद करें कैस्टिगेट। तो स्टार्टिंग के जो वर्ड है सी ए एस टी, तो इसको हम कास्ट पढ़ लेते हैं कास्ट, और लास्ट में गेट जी ए टी ई। कैस्टिगेट को हम कास्ट और गेट पढ़ लेते हैं दो मिनट के लिए। तो हम इसको कह सकते हैं कि कास्ट की वजह से हम लोग गेट पर डाटा फटकारा गया, कि कास्ट की वजह से हम लोगों को गेट पर ही डाटा या फटकारा गया, कैस्टिगेट मानी फटकारना। तो नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सटोल, ई एक्स टी ओ एल, एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, हम किसी की प्रशंसा कर सकते हैं ऐसा कुछ, कि एक्सटोल का ई एक्स टी ओ एल, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो स्टार्टिंग में जो ई और एक्स है उससे हम क्या कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा, और लास्ट में टोल, टोल टाल, टाल मतलब लंबा, तो टी ओ एल को टाल पर लेते हैं उसको हम लंबा, जो एक्स्ट्रा लंबे व्यक्ति होते हैं उसकी हर कोई प्रशंसा करता है, एक्सटोल का प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड आता है बीमन, हम कैसे याद कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जो बी ई है उसको हम बे, यदि हिंदी में एस एम एस टाइप में लिखते हैं तो बे, और लास्ट तो हम इसको मन पढ़ लेते हैं बेमन, बेमन को हम बेमन पढ़ लेते हैं। बेमन का मतलब जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता उसको हम कहते हैं, बिना मन के जो कार्य किया जाता है उसको हम बेमन बोलते हैं। तो बेमन का मतलब होता है, बेमन का मतलब होता है शिकायत करना। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेमन ही मैंने आपकी शिकायत की, बेमन ही मैंने आपकी शिकायत की, तो आपको ये शब्द याद रह जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फियस्को, एफ आई ए एस ओ सी ओ, सॉरी एफ आई ए एस सी ओ, फिस्को। फिस्को को हम, फिस्को का मतलब होता है असफलता। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में है एफ आई ए एस, इसको हम फीस, फीस, फीस करके याद कर सकते हैं, एफ आई फी ए एस एस, फीस, फीस, और लास्ट में जो सी ओ है इसको को। तो हम कह सकते हैं यदि फीस को समय पर नहीं देंगे तो असफलता हाथ लगती है, फीस को समय पर नहीं देने पर जीवन में असफलता हाथ लगती है, हम इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल, 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 डी ई एफ आई एल ई, तो फाइल, लास्ट में फाइल है एफ आई एल ई, उसको फाइल, तो डी ई से हम क्या कर सकते हैं, डी ई एस लिखे तो हम उसको बोलेंगे देश, तो हम डी ई को देश बोल लेते हैं, डी का मतलब देश, और फाइल का मतलब फाइल। अब डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना, तो क्या कह सकते हैं कि देश की फाइल को नेता दूषित कर रहे हैं, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि देश की फाइल को नेता लोग
बहुत ही दूषित कर रहे हैं या दूषित कर रहे हैं, हम डिफाइल का मतलब समझ जाएंगे। देश की फाइल, डी ई से देश, और फाइल का मतलब फाइल ही। अब नेक्स्ट जो वर्ड है ये एबंडन, एबंडन का मतलब त्यागना या छोड़ना, ये हम वैसे भी जानते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, यदि आपको देखो स्टार्टिंग में क्या है ए बी, तो इसको हम अब पढ़ें। उसके बाद क्या है ए के बाद बी ए एन डी ओ एन, इसको हम बंधन, बंधन मतलब रिश्ता या रिलेशन जो भी है, अब बंधन। तो हम इसको ऐसे करके याद करें, कैसे याद करें कि अब सारे बंधन त्याग दो, मतलब त्यागना मतलब छोड़ना, त्यागना मतलब अबंडन, अबंडन। नेक्स्ट वर्ड है लविस, मैंने कैसे याद किया मैं ये बता दूं। नेक्स्ट वर्ड लविस जो है कि लविस का मतलब होता है खर्चीला। तो हमारे जो जूनियर एक लड़का था लविस, मैंने उसको उसका नाम को याद करके मैंने इसको याद किया लविस, उसका नाम भी लविस था, तो मैंने याद किया भाई लविस बहुत ही खर्चीला लड़का है। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसको लविस को अगर आप दूसरे वे से याद करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में एल ए वी आई, एल ए वी आई है, इसको लवी, और लेकिन हम लास्ट का जो आई एस एच है उसको वीस पढ़ लेते हैं, या हम वी से शुरू कर देते हैं, ए वी आई एस एच वीस, डब्ल्यू की जगह वी पढ़ लेते हैं कि लव विस, लव विस। तो हम कह सकते हैं कि लव की जो इच्छा रखते हैं, लव के जो विस रखते हैं, तो उनको बहुत ही खर्चा करना पड़ेगा, या ऐसे कहते हैं कि लव करने की विश भी बहुत महंगी पड़ेगी। तो लविश का मतलब होता है महंगा है। हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, पेंडेमोनियम, पेंडे और मुनि, पेंडे और मुनि ओम का जाप कर क्या कर रहे हैं, शोरगुल वातावरण कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड था ग्रम्पी, गर्म चाय पीकर हम क्या हो गए, चिड़चिड़े। उसके बाद नाइव, नाइव का मतलब जो देश की जो नाव का काम करते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, सीधे साधे होते हैं। इसके बाद था एक्सटोल, एक्सटोल एक्स्ट्रा टोल ताल, मतलब एक्स्ट्रा टोल जो लोग ताल जो बंदे होते हैं, लंबे जो बंदे होते हैं उसकी हर कोई प्रशंसा करता है, इसका मतलब प्रशंसा करना। उसके बाद था कैस्टिगेट, कैस्टिगेट क्या था, कास्ट की वजह से हमें गेट पर ही टाटा फटकारा गया, कैस्टिगेट। नेक्स्ट वर्ड है बीमन, बीमन बेमन, बेमन बेमन ही मैंने आपकी शिकायत की। उसके बाद था फियस्को, फियस्को, फियस्को मतलब क्या था, फीस को, यदि आप फीस को समय पर नहीं दोगे तो असफलता ही आपके हाथ में लगेगी। उसके बाद था डिफाइल, डिफाइल मतलब देश की फाइल, नेता लोग देश की फाइल को दूषित कर रहे हैं। उसके बाद था एबंडन, एबंडन मतलब छोड़ना, त्यागना, आप बंधन को त्याग दो। उसके बाद क्या था लास्ट में लविस, जो कि बहुत ही खर्चीला लड़का है। अच्छा दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से यदि थोड़ा बहुत याद हुआ हो या आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।